हेलो दोस्तों, आज हम ब्लेंडर में लाइटनिंग इफेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा दोस्तों, ब्लेंडर में लाइटनिंग इफेक्ट क्रिएट करना बहुत ही इजी है और मैं आपको एकदम इजीएस्ट वे से सिखाऊंगा। पर आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरी देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इन सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, वन प्रेस करना है और आ जाना है फ्रंट ऑर्थोमेटिक पर। उसके बाद दोस्तों हमें एड में जाना है, मेस में जाना है और एक सिलेंडर चूज कर लेना है। स्केल करना है जेड एक्सिस पर, एस प्रेस करना है और जेड प्रेस करना है और थोड़ा स्केल डाउन करना है और वापस से स्केल करना है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, सॉरी जेड एक्सिस पर। अब दोस्तों हमें यहाँ पर, आपको पता होगा लाइट गिरती है तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गिरती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको जाना है एडिट मोड में। अब दोस्तों हम यहाँ पर 10 से 12 लूप कट एड करेंगे। उसके लिए आपको कंट्रोल आर प्रेस करना है और माउस की व्हील बटन को घुमाना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम वायर फ्रेम मोड को चूज़ कर लेंगे और यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिटिंग को, ठीक है। अब हम वैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। सेम थिंग दोस्तों आपको भी ऐसा करना है ताकि आप भी अच्छे से लाइटनिंग इफेक्ट क्रिएट कर पाओ, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, इतना एक्सट्रूड करना है। सेम थिंग यहाँ पर भी ऐसा करना है, ठीक है, एक्सट्रूड करना है, थ्री प्रेस करके आ जाना है राइट ऑर्थोपेडिक पर और इधर भी हमें वैसा ही करना है, एक्सट्रूड करना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर है ना एकदम मोटा सा दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको पतला कर देना है, सिलेक्ट करना है और स्केल डाउन कर देना है, सिलेक्ट करना है, स्केल डाउन कर देना है, सिलेक्ट करना है, स्केल डाउन कर देना है और सिलेक्ट करना है, इधर भी स्केल डाउन कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, टैब प्रेस करके आ जाना है ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ से सेटिंग व्यू मोड में आ जाना है। अब इसको हम थोड़ा स्केल करेंगे जेड एक्सिस पर, जिससे क्या थोड़ा और ये परफेक्ट हो जाए, ओके। अभी दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ में, एड मॉडिफायर में जाना है और दोस्तों यहाँ से सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को चूज कर लेना है और इसको यहाँ जो लेवल है ना 2 कर देना है, उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम परफेक्ट और अच्छा सा बन गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, वापस से जाना है आपको यहाँ पर मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ में, एड मॉडिफायर में और दोस्तों नीचे आ जाना है, वेव मॉडिफायर को चूज़ करना है। अब इसको चूज़ करने का फ़ायदा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप प्ले करोगे ना तो आप देख सकते हो ये प्ले हो रहा है जैसे वेव प्ले होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी है, तो हमें क्या करना है, हाइट को थोड़ा इतना कर देना है, ओके, और यहाँ पर आ जाना है स्टार्ट पोजीशन में, सॉरी टाइम में आ जाना है और ये स्पीड है ना इसको बढ़ा देना है, जिससे ये बहुत ही फास्ट वाइब्रेट होने लग जाएगा, ओके। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें मटेरियल ऐड करना है, ठीक है। तो मटेरियल ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे इसको थोड़ा ऊपर कर देना है और यहाँ पर एक नया टैब ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है शेडर एडिटर में, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, और यहाँ न्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये प्रिंसिपल VSDF है ना, इसको डिलीट कर देना है और यहाँ एड में जाना है, शेडर में जाना है और यहाँ से इमिशन को चूज़ कर लेना है, ठीक है, और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है और जो स्ट्रेंथ है ना इसको 50 कर देना है और हमें यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये एकदम चमकदार हो गया है, लेकिन हमें जैसा इफेक्ट चाहिए वैसा इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है रेंडर प्रॉपर्टीज़ में और ब्लूम के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम दोस्तों इसको प्ले करके देखेंगे। सो आप देख सकते हो ये प्ले हो रहा है, लेकिन जो है ना ये मटेरियल है एकदम स्ट्रेट बना हुआ है, वैसे का वैसा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो हमें क्या करना है, जो मटेरियल एड हमने किया है, जो कलर एड किया है ना, वो ऐसे ऐसे होता रहे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 1 पर और हम इस इमिशन को एनिमेट करेंगे। उसके लिए इसके ऊपर आई प्रेस करेंगे, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है, ठीक है, और यहाँ पर जाना है, फिर ग्राफ एडिटर पर जाना है, ठीक, मटेरियल के ऊपर क्लिक कर देना है और शेडर नोट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमें एन प्रेस करना है और यहाँ पर आएगा मॉडिफायर, इसके ऊपर जाना है और जाना है नॉइस में, ठीक है, और जो इसकी स्ट्रेंथ है ना इसको आपको कर देना है 500, ओके। अब हम इसको प्ले करके देखेंगे। सो आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, इसको हम हाइड कर देंगे,
और इसको नीचे कर देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको भी थोड़ा परफेक्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो एकदम जूम करके, ये जो हमारा येल्लो रंग का है ना, इसको पिविट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। हमें इस पिविट पॉइंट को यहाँ पर सेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टैब प्रेस करके आ जाना है एडिट मोड में और सिलेक्ट ऑल कर लेना है और ग्रेप करके इसको यहाँ पर रख देना है, ओके। इससे क्या होगा, अगर हम इसको स्केल डाउन करेंगे ना, तो उस पिविट पॉइंट से स्केल अप और स्केल डाउन होगा, ठीक है। अब हम दोस्तों इसको एनिमेट करेंगे, तो यहाँ पर हमें आ जाना है वन पर, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर और इसको स्केल डाउन कर देंगे और आई प्रेस करेंगे रोटेशन लोकेशन और स्केल। अब दोस्तों हम इसको पाँच पर ला देंगे और इसको स्केल करेंगे, ओके। आई प्रेस करेंगे रोटेशन लोकेशन और स्केल और यहाँ से हम कर देंगे 60, ठीक है। इसको हम प्ले करके देखेंगे, ओके कि इसको मैं थोड़ा एकदम ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा और अच्छा लगने लग जाए, ठीक। दोस्तों आप यहाँ से ब्लूम कलर है ना, इसको चेंज कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो रख सकते हो, ओके। जैसा आपको पसंद आए उस हिसाब से आप इसको रख सकते हो। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर अभी साउंड इफेक्ट क्रिएट कर दूँ तो एकदम परफेक्ट हो जाए, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में मेरी वीडियो में देखा होगा। सो दोस्तों आप भी इसी प्रकार बहुत ही आसान तरीके से ब्लेंडर में लाइटनिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ट्यूटोरियल के साथ।